देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के गुजर जाने के बाद से ही देश भर से शोक संवेदनाएं आ रही हैं। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं, फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर जापान। लेकिन इसी बीच अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने पीएम मोदी की मां को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर डाली है। निश्चित तौर पर ये मांग ऐसे वक्त में की गई है जब खुद पीएम मोदी इस वक्त सदमे में हैं। हालांकि मां के गुजर जाने के बाद भी पीएम मोदी ने अपने किसी भी प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं किया बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। इसी बीच स्वामी चक्रपाणी की तरफ से पीएम मोदी की मां को राष्ट्रमाता बनाए जाने की मांग की गई है। उन्होंने हीराबेन के निधन पर संवेदनाएं जताते हुए ट्वीट किया, हीराबेन मोदी जी को मिले राष्ट्रमाता का सम्मान। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता श्री स्वर्गीय हीराबेन मोदी जी को देश की तरफ से यही होगी सच्ची श्रद्धांजलि। ओम शांति। आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तरफ से भी पीएम मोदी को सांत्वना दी जा रही है। इतना ही नहीं शोक प्रकट किया जा रहा है। एक ट्वीट में लिखा गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माताजी हीराबा के निधन से एक तपस्वी जीवन पूर्ण हो गया। इस दुखद प्रसंग पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सभी स्वयंसेवक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माताजी का जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी मूल्य के प्रति निष्ठा और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के बल पर सतत कर्मशील रहने वाले सार्थक जीवन का महान उदाहरण है। मात्र वियोग की वेदना की इस वेला में भी श्री नरेंद्र भाई मोदी और उनके परिजनों के प्रति हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। श्री परमात्मा दिवंगत को सदगति प्रदान करे, यही प्रार्थना। ओम शांति। तो देखा आपने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की मां को राष्ट्रमाता बनाए जाने की मांग की जा रही है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।